हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बहुत ही मज़ेदार चीज़ देखने को मिलेगी। एट बॉल पूल की हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि इतने छोटे छोटे लेवल के प्लेयर डायमंड लीग में प्ले करते दिखाई पड़ रहे हैं। संडे की नाइट में जब मैंने अपना ये छोटा सा अकाउंट इस हफ्ते में पहली बार लॉगिन किया तो पता चला कि मैं डायमंड लीग में एंटर कर चुका हूँ। ये मेरा 25 लेवल का अकाउंट। अब तक इस अकाउंट में मैं केवल 4 मिलियन कॉइन्स बना पाया हूँ और इसमें टोटल विनिंग करीब 9 मिलियन की है। यहाँ पर मैंने अभी तक केवल 183 मैच प्ले किए हैं और 143 मैच जीते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं सारी लीग क्लियर करके डायमंड प्रो मेरे अचीवमेंट में आ चुका है। यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि लास्ट वीक मैंने एमेथिस्ट लीग में प्ले करके बंद किया था और फाइनली मैं 6th पोजीशन पर था अपनी लीग में। तो इस हिसाब से प्रमोशन होने पर मुझे सेफायर लीग में प्रमोट होना चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा एमरल्ड लीग मिल सकती थी, पर यहाँ पर तो मुझे डायरेक्ट डायमंड लीग में प्रमोट कर दिया गया है। अब यहाँ देख लीजिए, ये 5 लेवल, 8 लेवल, 15 लेवल, 12 लेवल के प्लेयर मेरे साथ डायमंड लीग में मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि नर्सरी केजी क्लास के बच्चों को पापा का कोट और बूट पहनाकर ऑफिस भेज दिया गया हो कि जाओ कमा के लाओ। अब यहाँ पर इन छोटे छोटे प्लेयर्स के लिए एक अच्छी बात ये होने वाली है कि फर्स्ट 3 के अलावा 4 से 10 रैंक तक जो प्लेयर होंगे उनको 15-15 कैश के साथ एक एक एपिक बॉक्स मिल जाएगा। उसके बाद 11 से लेकर 80 रैंक तक जो भी होगा उन सभी को एक एक एपिक बॉक्स का रिवार्ड मिलेगा, चाहे उसने प्ले किया हो या ना किया हो। और ये देखिए, 35 रैंक पर लेवल 1 का प्लेयर डायमंड लीग में, 8 बॉल पूल की हिस्ट्री में पहली बार। अब देखना यह है कि क्या मैं अपने लेवल के बराबर के प्लेयर्स के बीच डायमंड लीग टॉप कर सकता हूँ। जी हाँ, मैंने ये कोशिश की है। तो मैंने यहाँ पर दुबई 1 मिलियन का मैच जीत लिया है और देखते हैं कि मैं अपनी लीग में कहाँ पर पहुँचा। ये देखिए, मैं 3rd नंबर पर आ गया। अब देखते हैं कि डायमंड लीग की पोजीशन क्या है, फर्स्ट और सेकंड का क्या स्कोर है। अरे भाई, हटाओ इसको। ये आ गई डायमंड लीग और यहाँ पर ये क्या हो रहा है देखिए, बड़े बड़े धुरंधर प्लेयर्स आ चुके हैं मैदान में और हम सब छोटे छोटे प्लेयर्स एक किनारे खड़े होकर तमाशा देखने में लग गए हैं। सारे के सारे छोटे छोटे प्लेयर्स नीचे फेंक दिए गए हैं और जो हाई लेवल के डायमंड लीग के रियल प्लेयर्स हैं वो आकर डायमंड लीग को अपने कब्जे में कर चुके हैं। ऊपर के तीनों प्लेयर्स बर्लिन जीत चुके हैं और हमारे पास तो बर्लिन प्ले करने भर के भी कॉइंस नहीं हैं, तो हम कर भी क्या सकते हैं। खैर, ये अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पर काफ़ी नीचे 80 रैंक तक रहने पर भी प्राइज मिलेगा, चाहे मैं प्ले करूँ या ना करूँ। यहाँ देखिए, नीचे 40 रैंक तक के प्लेयर्स प्ले कर रहे हैं, उसके नीचे कोई प्ले नहीं कर रहा है, सब 0 पर बैठे हैं, लेकिन ये सब के सब प्राइज जीत कर जाएंगे, एक एक एपिक बॉक्स ये तय है। यहाँ पर जो लोग 80 रैंक के नीचे हैं वो सब डिमोट होकर नेक्स्ट वीक रूबी लीग में चले जाएंगे। 80 के ऊपर जो रहेंगे वो अगले हफ्ते भी यहीं डायमंड लीग में प्ले करेंगे। अब देखिए, आज मंडे की सुबह हो चुकी है और मैं अपनी पोजीशन को टॉप 10 में रखने के लिए एक गेम प्ले कर रहा हूँ। अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड। मिनिमाइज़ करके दोबारा से गेम ओपन कर रहा हूँ। ये मैंने फ्रेंड्स में तो फर्स्ट प्राइज विन कर लिया है और ये आ गई डायमंड लीग। डायमंड लीग में इसका मतलब ये हुआ कि मैं टॉप 10 में रहा हूँ, क्योंकि मुझे 15 कैश का रिवार्ड मिल चुका है। यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। जी हाँ, मैं 10 रैंक पर रहा हूँ और मुझे फर्स्ट वाले ने 1.17 बिलियन से ये डायमंड लीग टॉप की है। तो ये है नए अपडेट 5.6.7 आने के बाद नए प्राइस सिस्टम का खेल। कैसा हुआ, कैसे हुआ, ये सब आपने इस वीडियो में देख लिया है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और इस नए प्राइस सिस्टम के बारे में अपना जो भी विचार हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपको कैसा लगा ये नया रिवार्ड सिस्टम? अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको तुरंत जानकारी मिल सके। मिलते हैं बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।